प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार चला रही है और अधिकारी इस नीति को अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई प्रशासनिक अमला पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर रोक लगा पाया है? क्या हो जब अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाएं? जी हां, एक तस्वीर आई है यूपी के उन्नाव से, जहां परिवहन कार्यालय में एआरटीओ के संरक्षण में पाले गए बाहरी दलालों को एआरटीओ ने अपनी अवैध कमाई के लिए बाबू की सरकारी सीट पर अपना चहेता दलाल बिठा दिया है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे बल्कि एआरटीओ के सरकारी दफ्तरों में बाहरी दलालों को सरकारी फाइलों में गड़बड़ी करते साफ देख सकते हैं कि दलाल किस तरह दफ्तर में रहकर भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं और ये तार अलग अलग लोगों तक फैले हुए हैं। रिपोर्ट देखिए, आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। एआरटीओ द्वारा दफ्तर में छोड़े गए इन दलालों का नाम है मोहित। हमारे सूत्रों ने बताया कि मोहित नाम का दलाल किसी भी अधिकारी के सामने जाने पर खुद को एआरटीओ का अर्दली बताता था और लोगों पर अर्दली बताकर रौब भी दिखाता था, जिसके बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने एआरटीओ और मोहित नाम के दलाल से भ्रष्टाचार की खेती कराने वालों के चेहरों को भी बेनकाब कर दिया। जिसके बाद हमारे संवाददाता ने एआरटीओ कार्यालय पहुंचकर साहब का पक्ष जानना चाहा, पर यहां तो साहब ने देखिए कैसे कैमरा डाउन करने के लिए कहा। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के संवाददाता को देखकर वो भड़क गए और कहने लगे, तत्काल दफ्तर से बाहर निकल जाओ। वही हमारे संवाददाता ने फिर साहब से सवाल किया कि मोहित नाम का दलाल खुद को अधिकारियों के बीच लोगों से एआरटीओ का अर्दली बताता है, जिसके बाद साहब आग बबूला हो गए और न्यूज वर्ल्ड इंडिया के रिपोर्टरों को धमकाने लगे, कैमरे पर हाथ मारने लगे, जिस पर हमारे संवाददाता ने कहा कि आप खबर से नाराज होकर धमकी दे रहे हैं। वही एआरटीओ आदित्य त्रिपाठी धमकाते हुए दफ्तर में बने अपने कैबिन के अंदर चले गए। दरअसल जिले के सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार की खेती कर रही एआरटीओ की अवैध वसूली का एक्सटिंग ऑपरेशन सामने आया है। विभाग में ही तैनात है सरकारी बाबू, नाम है जगदीश प्रसाद तिवारी, हालांकि इनको निलंबित कर दिया गया है। दो नंबर पटल पर बैठे खुलेआम गाड़ी ट्रांसफर और गाड़ियों के लोन अदा करने के नाम पर अवैध रिश्वत लेते हैं और ऐसा करते वो एक्सटिंग में कैद हो गए। यही नहीं, रिश्वतखोरी के बाद उसी बाबू ने भ्रष्टाचार की खेती करने वाली एआरटीओ की अवैध वसूली का पर्दाफाश भी कर दिया। बाबू ने एक स्टिंग में बताया कि 2000 रुपए साहब लेंगे, 500 बीरा और 500 एचपीए कैंसिल का तुम 500 कम कर देना, 3000 होते हैं तुम 2500 दे देना। चलिए आपको वीडियो भी दिखाते हैं और सुनाते हैं। आप अंदर नहीं घुस सकते, आप ये नहीं कर सकते, कोई काम हो अपना बताओ, आप व्यक्तिगत काम हो बताओ, हमें व्यक्तिगत काम होगा तब बात, अभी नहीं देता। नहीं तो एक्चुअली में जानकारी जो मिल रही है, मोहित नाम का दलाल बाकायदा अंदर रहता है, अभी आप जा रहे तो आप तो धक्का मार के भगा रहे हैं मीडिया को। अरे हम धक्का नहीं, प्यार से कह रहे हैं, मतलब हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं, आप धक्के मार के भगा रहे हैं आप, यानी कि सुना आपने कैसे और यहाँ किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिसने ये पूरा मामला उजागर किया जगदीश प्रसाद तिवारी, उनका निलंबन कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर जो बड़े बाबू हैं उनका निलंबन अब तक नहीं हो पाया है। तो बाकी से सरकारी बाबू जगदीश प्रसाद तिवारी ने एआरटीओ के अवैध कमाई का भंडाफोड़ कर दिया, लिहाजा रिश्वतखोरी और एआरटीओ के बंदरबांट का वीडियो वायरल होते ही मामला परिवहन मंत्री तक पहुंच गया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज से भी कई बड़े खुलासे करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने अपने खास प्रोग्राम मेरा गांव मेरा देश में भी दिखाया था, जिस पर हमने जिलाधिकारी से भी बात करने की कोशिश की थी, हालांकि उस समय वो बात नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने बाद में फोन कर हमें आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। हेलो हेलो, क्या मेरी बात दिया महोदय से हो रही है? हेलो, कौन बोल रही है? मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ, काजोल नाम है मेरा। हाँ बताएं प्लीज। एक शिकायत थी उन्नाव से, इसको लेकर हमने खबर भी चलाई थी, लेकिन तब आपसे बात नहीं हो पाई। क्या था बताएं प्लीज, कर लूँ वहाँ फोन कर। हेलो हेलो जी, हाँ मैम, बात ये थी कि उन्नाव में एआरटीओ कार्यालय में, किसमें? एआरटीओ कार्यालय, हाँ, यहाँ पर रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। अच्छा, हाँ, 2500 से 3000 रुपए रिश्वत ली जा रही है। अच्छा, मैं दिखवाती हूँ जरा। हाँ प्लीज इसको दिखवाइए, क्योंकि और कुछ सालों से हो रहा है। अच्छा ठीक है मैम, मैं चेक कर, ठीक है, ओके ओके। कार्रवाई हुई, लेकिन ऊंचे अफसरों तक कार्रवाई नहीं पहुंची। अब आपको बता दें कि 2017 में तत्कालीन एआरटीओ अनिल त्रिपाठी की शिकायत पर जिला प्रशासन ने एआरटीओ के चारों ओर घेराबंदी कर बड़ी कार्रवाई की थी। एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापे मार कर कई दलालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें कई फरार हो गए थे। पुलिस ने 23 नामजद पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, जो कि 2017 के मुकदमे में जेल जा चुके हैं। उन्हीं कई दलालों को एआरटीओ ने दफ्तर के सरकारी कुर्सियों पर बाहरी दलालों को बाबू के कुर्सी पर बैठाकर भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे हैं।
अब देखना यह है कि अनिल त्रिपाठी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई तो हुई लेकिन यहाँ तक अभी भी कार्रवाई नहीं पहुँच पाई है।